चलिए अब बात हमारे हनुमान की। आज हम आपको दर्शन करवाने जा रहे हैं गंज बासौदा के नजदीक ग्राम हथौड़ा के हनुमान बालाजी के। यहाँ हनुमान जी के दरबार में सबकी मनोकामना पूरी होती है। बालाजी की ये प्रतिमा 500 साल से भी ज्यादा पुरानी बताई जाती है। गांव के लोगों की माने तो गांव बसने से पहले ही से बालाजी की प्राचीन प्रतिमा स्थापित है। देखिए हमारी इस खास रिपोर्ट में पूरे मंदिर की कहानी। ग्राम हथौड़ा के बालाजी सरकार सबकी मनोकामना पूरी कर रहे हैं। जब मनोकामना पूरी हो जाती है तो उसके बाद लोग भंडारा कराने आते हैं। दादा के दरबार में पहुंचकर घंटा भी चढ़ाते हैं, माथा टेकते हैं तो बालाजी की कृपा सब पर बरसती है। बालाजी की अद्वितीय प्रतिमा 500 साल से ज्यादा की प्राचीन बताई जाती है। गाँव वाले बताते हैं कि जब गाँव बसा ही नहीं था तब से यहाँ बालाजी सरकार की प्रतिमा स्थापित है। बालाजी हर संकट से उबारते हैं। गाँव के बुजुर्ग ने बताया कि एक बार कई सालों पहले गाँव में ओले से तबाही हुई थी, चारों तरफ फसलों पर ओले गिरे थे। तब सीताराम महाराज ने बालाजी की प्रतिमा पर चमीटा मारा और कहा कि पूरे गांव की फसल बर्बाद हो रही है और आप देख रहे हैं गांव क्या खाएगा। तब बालाजी की कृपा ऐसी रही कि पूरे गांव में ओले गिर गए लेकिन फसलों पर जरा भी असर नहीं हुआ। बालाजी महाराज जी के दरबार में दिव्य अर्जी लगाई जाती है। शनि और मंगलवार को जहाँ काफी वक्त आते हैं और श्री हनुमान जी महाराज जी के दरबार में जो अर्जी लगाता है और उसकी हनुमान जी महाराज मनोकामना पूर्ण करते हैं। नरियल गोल सुपारी लेकर आटी लेकर 11 रुपए मात्र लेकर श्री हनुमान जी के दरबार में आरती में जो खड़ा होता है उसकी बड़े से बड़े संकट श्री हनुमान जी महाराज दूर कर रहे हैं। ऐसा दिव्य स्थान है श्री बालाजी का। बालाजी की प्रतिमा अद्भुत है और सभी मंगलों को देने वाली है। बालाजी के भक्त प्रयाग रघुवंशी बताते हैं कि उन्हें ब्रेन ट्यूमर हो गया था। वो अस्पताल में जिंदगी और मौत से लड़ाई लड़ रहे थे। घर वालों ने बालाजी के दरबार में अर्जी लगाई और 5 मंगलवार की पेशी की। वह बालाजी की कृपा से स्वस्थ हो गए। पिछले 10 साल से वह स्वस्थ हैं। उनकी दवाई भी नहीं चल रही है। बालाजी की कृपा से वह और उनका पूरा परिवार स्वस्थ है। एक भक्त बताते हैं कि शादी की अड़चन, निसंतान और नौकरी, ये सब मुरादें यहाँ पूरी हो रही हैं। काफ़ी समय से बालाजी धाम से जुड़ा हुआ हूँ और देखता हुआ आ रहा हूँ कि जैसे ही लोग अपनी जो भी मनोकामनाओं को लेकर के आते हैं, चाहे वो संतान से रिलेटेड हो या फिर नौकरी से रिलेटेड हो या फिर अन्य घर से रिलेटेड जो भी कुछ समस्याएं होती हैं, लोगों की समस्याओं का समाधान होता है बालाजी के दरबार से और निश्चित ही होता है। बस उसके लिए लोगों को अपनी श्रद्धा रखनी होती है बालाजी सरकार में। कोई भी ऐसा काम नहीं है जो बालाजी के दरबार में पूरा नहीं हुआ हो। असाध्य रोग, निसंतान और नौकरियां, हर प्रकार की मन्नत पूरी हो रही है। भगवान का चमत्कार और कृपा से सारे काम संपन्न हो रहे हैं। भोपाल से INS 24/7 के लिए प्रिंस गुप्ता के साथ गंज बासौदा से अनुज श्रीवास्तव की रिपोर्ट।